नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। देखिए, बिहार एपीओ के लिए बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ क्या रहेगा और कितनी कट ऑफ जा सकती है, यानी सेफ स्कोर कितना रहना चाहिए। निगेटिव मार्किंग है तो वो भी चीज़, पहली बार निगेटिव मार्किंग हो रही है बिहार एपीओ में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि निगेटिव मार्किंग से फ़र्क तो पूरा पड़ेगा, और क्योंकि क्वेश्चन पेपर अभी आया नहीं है, मतलब पेपर अभी हुआ नहीं है, सिलेबस का पैटर्न किस तरह से वो लोग देते हैं, अगर पेपर पूरे ट्रेडिशनली आया जो पिछले वर्षों से होता चला आया, तो कट ऑफ अगर मैं बताऊं जो सेफ स्कोर रहेगा, मान के चलिए, क्योंकि 100 नंबर का आपका जीएस वाला पेपर है और जो लॉ का पेपर है वो है आपका 150 का, तो 250 है, यानी 140 आप लोग सेफ मान के चलें, क्योंकि वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये 140 में मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, 140 जो है वो मैक्सिमम बता रहा हूँ। अब होता है क्या है कि अगर पेपर टफ आता है तो कट ऑफ सीधी सी बात है नीचे जाएगी, इजी आया थोड़ा ऊपर भी जा सकती है। फिर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर के लिए डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, तो ये देखते हैं अभी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपके साथ को ही कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये अब क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी यूपी जुडिशरी के बाद अगर कोई जुडिशरी का नोटिफिकेशन आया, खासकर एपीओ का, तो ये पहली बार है जो इतनी लगभग 550 वैकेंसी आई हैं। तो ये तो सीधा सीधा है, पूरे का पूरा मतलब है कि कट ऑफ बहुत कम रहेगी, और क्योंकि काफ़ी लोगों से मुझे पता भी लगा है और काफ़ी सारे लोगों से बात भी होती रहती है, तो एग्ज़ाम काफ़ी लोग कम भी देंगे, ये भी बिहार एपीओ का भी, ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी कट ऑफ जाती है। वैसे 140 मैक्सिमम है, 140 तक की कट ऑफ आपका एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं प्लस निगेटिव मार्किंग है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सर कट ऑफ वो निगेटिव मार्किंग है तो क्या करें, जो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसे तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर उसमें रिक्स ले सकते हैं आपको, जिसमें दो ऑप्शन आप लोगों को दो में डाउट है, ये तो आप लोग यहाँ पर रिक्स ले सकते हैं। सिलेबस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटी पढ़ें, लॉ के सब्जेक्ट तो आप लोगों को पता ही होंगे, प्रतिभा मैम बताती रहती हैं, लेकिन जीएस के लिए मैं बताऊँ जनरल साइंस और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2020 की, इन मंथ की करंट अफेयर को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। मतलब पढ़नी तो आपको मार्च 2020 से है, लेकिन फोकस करना है आप लोगों को सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर से, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा स्कोप बनाइए, मॉडर्न हिस्ट्री मेंस में भी आती है आपकी, इंडियन ज्योग्राफी मेंस में भी क्वेश्चन मिलेंगे और प्री में आपको इंडियन ज्योग्राफी से मिलेंगे, तो मेजर सब्जेक्ट है, इसको आप आसानी से रिकॉल भी कर सकते हो और रिविज़न ही कर। एक बात और, जो लोग बिहार सीजे जिन्होंने दिया था वो पहले नोट्स या पहली चीज़ें उन्होंने लिखी होंगी, तो उसी का बार बार रिवीजन करें, नई चीज़ें ना पढ़ें, एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करें, उससे आप लोगों को आसानी होगी और जल्दी से क्विक रिवीजन करने में भी आपको उससे बेनिफिट होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, 2-3 दिन बचे हैं, इनमें आप पूरी एनर्जी लगा देंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें रिकॉल कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, रिवीजन ही आपको आगे लेके जाएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपका क्या अपना व्यू है, और इसको लेकर मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। शगुन सर की वीडियोज़ बनवा रहा हूँ, रविंद्र सर की बनवा रहा हूँ, और तरह तरह की लॉ की वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, छोटी छोटी जो 6 तारीख तक आप लोगों को मिलती रहेंगी, आप लोग उसे देखते रहिएगा, छोटी छोटी, जैसे रविंद्र सर बना रहे हैं, जैसे आपको जीआई टैग पे बनाया, गेम्स पे बनाया, या आपको जनगणना बनाई, और आपके ये जो फ्रेंच ओपन होते हैं यानी विंबलडन वगैरह होते हैं, इन पे भी करंट अफेयर के लेकर मैं वीडियोस बनाता रह रहा हूँ, तो इन्हें आप लोग जरूर देखिएगा, इग्नोर ना करें, और जो भी टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार एपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ें मैं बनवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग इसी तरीके से सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू।